नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देना चाहूँगा मेरे पास जो मैसेज आया है वो है हेमंत अरोड़ा जी का इन्होंने मेरी वीडियो देखी है साउथ वेस्ट मेन गेट वास्तु रेमिडीज़ फॉर साउथ वेस्ट मेन गेट इनका जो क्वेश्चन है वो है कॉलम्स की मार्किंग कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलम्स की मार्किंग बिल्डिंग के हिसाब से जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर लेना चाहिए इसमें कुछ पॉइंट पर हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर कॉलम नहीं आना चाहिए कहाँ पर कॉलम नहीं आना चाहिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि घर के ब्रह्म स्थान में मध्य भाग में कभी भी कॉलम नहीं आना चाहिए पिलर नहीं आना चाहिए इसी के साथ कुछ जगह देखने में आता है कि बेडरूम के अंदर या ड्राॅइंग रूम के अंदर एक अलग से कॉलम खड़ा हो जाता है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉलम बीच में आता है तो एज पर वास्तु वो बेडरूम में है तो बेडरूम के हिसाब से गलत है और ड्राॅइंग रूम है तो ड्राॅइंग रूम के हिसाब से वो पिलर गलत है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी बीच में कोई पिलर नहीं आना चाहिए जिस पिलर के साथ अटैच दीवार बनी हुई है उस पिलर से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती जो पिलर बिल्कुल सेपरेट खड़ा हुआ होता है तो उससे दिक्कत हो सकती है कब दिक्कत हो सकती है जब वो ब्रह्मस्थान में हो या किसी रूम के अंदर आ रहा हो यदि कोई बेडरूम में आ रहा है या ड्राइंग रूम में आ रहा है या कोई दूसरे रूम के अंदर पिलर अकेला खड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो पिलर ख़त्म हो जाए खत्म कैसे होगा उसके साथ आप दीवार लगा सकते हैं लकड़ी का पार्टीशन करके उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो पिलर आपको नजर ना आए लेकिन सेंटर में पिलर कभी भी नहीं आना चाहिए इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी हैवी पिलर नहीं लेना चाहिए दीवार से बाहर निकलता हुआ पिलर नहीं लेना चाहिए आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपके अपने पिलर बन रहे हैं वो पिलर आपकी दीवार की मोटाई के बराबर ही होनी चाहिए खासतौर पर आपने ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर वाला पिलर है वो पिलर आपकी दीवार से बाहर निकलता हुआ नहीं होना चाहिए लेकिन एक बात और जरूर ध्यान रखना था है यदि आपने वहाँ पर पिलर 18 इंच का बना दिया और आपको पिलर छुपाना है और आप अपनी दीवार को अट्ठारह इंच की या तेरह इंच की कर देते हैं या आपका पिलर तेरह इंच का बना हुआ है और वहाँ पर तेरह इंच की दीवार कर देते हैं तो उससे वास्तुदोष बनेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके कॉलम की वजह से तो हैवी हो ही गया है और साथ में जब आप दीवार लगा देते हैं तो वो एरिया आपका और हैवी हो जाता है ऐसी गलती कभी भी ना करें इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दीवार के साथ आए हुए जो पिलर है वो दीवार से बाहर निकलते हुए बेडरूम में नहीं होने चाहिए यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपका रूम बहुत ही बढ़िया बन जाएगा उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं बनेगा सबसे पहले तो उस रूम में सोने वाले को नींद अच्छी आएगी और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो YouTube पर देख सकते हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर 325 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए हैं और मेरा जो अपना 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहते हैं तो आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं और आप मेरे से ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपना लेआउट प्लान भेजकर मेरे से ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी पेड़ रहेंगी आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार